जरोली से क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखेंगे बच्चों, संधि प्रकरण चल रहा था और संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधियों के भेद आप पढ़ रहे हैं। स्वर संधियों के भेद में आप लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि और यण स्वर संधि के बारे में जान लिया है। आज आप जानेंगे बच्चों वृद्धि स्वर संधि, यानी स्वर संधि का जो चौथा भेद है वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इसका सूत्र होता है बच्चों वृद्धि रेज। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि इस सूत्र को विच्छेद करके लिख दिया जाए, संधि विच्छेद कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, वृद्धि धन एज। संधि विच्छेद करने पर काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र क्या कहना चाहता है। वैसे इसका नियम क्या होता है बच्चों, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, यानी धन चिन्ह के पहले ह्रस्व अथवा दीर्घ आ होता है और धन चिन्ह के बाद एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार बच्चों जानते होंगे आप, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं सामने लिखे हुए हैं, ए ओ ए तथा औ। ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ ए तथा औ आते हैं तो जो एच होता है एच की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, यानी अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आता है तो ए के स्थान पर आय हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आता है तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है। ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद यदि ऐ आता है तो ऐ के स्थान पर ऐ ही बना रहता है, यानी आ के बाद ऐ आने पर दोनों के योग से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर आ के बाद ए आता है, आ के बाद यानी ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ऐ आता है, ऐ ऐनक वाला ऐ, तो देख रहे हैं आप उसके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐ ही लिखा है। इसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि औ आता है तो दोनों के योग से औ ही रहता है। अब इसका नियम आप समझ लीजिए एक बार फिर से, नियम क्या बताया गया, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो एच की वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, ए के स्थान पर ए हो जाता है, ओ के स्थान पर अ हो जाता है, ए तथा अ के स्थान पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यथावत बना रहता है। उदाहरण देखेंगे बच्चों, उदाहरण में देखिए पहला उदाहरण जो लिखा लिखा मम धन एकम, मम धन एकम, यहां पर देखेंगे आप मम धन एकम, धन चिन्ह के पहले आ छोटा आ है और धन चिन्ह के बाद बच्चों क्या है ए है, आ के साथ ए का योग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ के साथ अगर ए का योग होता है तो दोनों मुख से क्या बन जाता है, उदाहरण देखेंगे मम धन एकम बराबर मम एकम हो गया। यदि प्रश्न किया जाए बच्चों कि इस उदाहरण में किन दो वर्णों का योग हुआ है तो आप बता सकते हैं कि आ यानी छोटा आ धन ए, इन दोनों का योग होने से ए हो गया है, आ धन ए बराबर ए। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों, लिखा सदा धन एव, यहाँ पर देख रहे हैं धन चिन्ह के पहले बड़ा आ है और धन चिन्ह के बाद बच्चों क्या है ए है। आपको बताया गया कि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों, ए हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप ए, तो यहाँ पर सदा धन एव दोनों की संधि जब की जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों सदैव। यदि प्रश्न किया जाए कि इन दोनों उदाहरणों में किन किन वर्णों का योग हुआ है तो आप बता सकते हैं कि बड़ा आ धन ए इन दोनों के मिलाने से आय की उत्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, ऐसा है जिसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ओ आता है तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं जल धन ओघा, यहाँ धन चिन्ह के पहले आ छोटा आ है और धन चिन्ह के बाद में ओ है, जल धन ओघा संधि करने पर हो गया बच्चों जलौघा।
अगर प्रश्न किया जाए कि किन किन वर्णों का योग है तो आप बता सकते हैं आ धन ओ बराबर औ, यानी छोटा आ और धन ओ इन दोनों के योग से उत्पत्ति हुई है औ की। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, लिखा है महाधन ओजा। यहाँ पर आप देख रहे हैं धन चिन्ह के पहले बड़ा आ है और धन चिन्ह के बाद में ओ है। महाधन ओजा की संधि क्या हो जाएगी बच्चों? महोजा। महोजा अगर प्रश्न किया जाए कि इस महोजा में किन किन वर्णों का योग होकर और क्या परिवर्तन हुआ है तो आप बता सकते हैं बड़ा आ धन ओ बराबर औ। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखेंगे वो कौन सा होगा, इसमें हरफ से देखना के बाद आय आता है तो आय आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तव धन ऐश्वर्या उदाहरण लिखा हुआ है तो धन चिन्ह के पहले यहाँ पर आ है, क्या बच्चों? हरस आ, और धन चिन्ह के बाद में आय है, ऐनक वाला आय है। आ के बाद अगर आय आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर तव धन ऐश्वर्य का जो उदाहरण है संधि करने के बाद तव ऐश्वर्य ही रहा है। यदि प्रश्न किया जाए कि किन वर्णों का योग हुआ और क्या परिवर्तन हुआ है तो आप बता सकते हैं कि आ धन आय बराबर आय, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हरस्य अधीन आ के बाद में आय आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है महाधन ऐश्वर्यम। महाधन ऐश्वर्यम यहाँ पर दोनों को मिलाने से महेश्वर्यम हो गया है। अगर प्रश्न किया जाए कि किन किन वर्णों का योग है तो आप बता सकते हैं बड़ा आ धन आय बराबर आय, यानी आ के बाद आय आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, लिखा वन धन औषधि। लिखा वन धन औषधि, धन चिन्ह के पहले आ छोटा आ है और धन चिन्ह के बाद में बच्चों क्या है? औ है। दोनों को मिलाने से हो जाएगा वन औषधि। यदि प्रश्न किया जाए कि इस वनौषधि शब्द में किन किन वर्णों का योग हुआ और क्या परिवर्तन हुआ है आप बता सकते हैं कि आ के बाद औ, यानी आ धन औ बराबर औ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा कि आपको बताया गया था कि ह्रस्व आदि आ के बाद में औ आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला उदाहरण है बच्चों महाधन औषधि। यहाँ पर आप देख रहे हैं धन चिन्ह के पहले दीर्घ आ बड़ा आ है और धन चिन्ह के बाद में क्या है? औ। आपको रेम में बताया गया कि ह्रस्व दीर्घ आ के बाद में औ आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए महाधन औषधि की संधि जो है वो हो गई है महौषधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा आ के बाद औ आया है, दोनों के योग से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार बच्चों आपने वृद्धि स्वर संधि देखी, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।